मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अयोध्या रोड पर कुकरेल नदी तट पर स्थित सौमित्र वन में पौधारोपण कर पौधारोपण जन अभियान 2024 का शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत इस बार एक पेड़ मां के नाम लगाने का आह्वान किया गया है। यह अभियान 1 जुलाई को शुरू किया गया जो 30 सितंबर तक चलेगा। आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले जहां पर अकबर नगर था जो कि अतिक्रमण करके बनाया गया था, वहां आज प्रभु श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी के नाम से सौमित्र वन स्थापित किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर देशवासियों से एक पेड़ मां के नाम लगाने का आह्वान किया था। दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग एक नया संकट बनता जा रहा है और इसको नियंत्रित करने की जिम्मेदारी भी मनुष्य की ही होनी चाहिए। हम सब जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पूरे देशवासियों से एक पेड़ मां के नाम लगाने का आह्वान किया था। इसके पीछे की भावना भी यही थी कि दुनिया के अंदर पर्यावरणविद एक बात को लेकर के एक चिंतित हैं और वह चिंता है कि ग्लोबल वार्मिंग दुनिया के अंदर जीव सृष्टि के लिए एक नया संकट खड़ा करने जा रहा है। इस नए संकट से उभरने के लिए, क्योंकि संकट कहीं और से नहीं मनुष्य के स्वार्थ ने ही प्रदान किया है, इसलिए इसको नियंत्रित करने की जिम्मेदारी भी मनुष्य के ऊपर ही होनी चाहिए। और इस दृष्टि से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के संवैधानिक मुखिया के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी का यह आह्वान हर भारतवासी के लिए यह एक मंत्र बनना चाहिए। इस अभिलाषा से हम लोगों ने प्रदेश में इस पवित्र अभियान को अपने हाथों में लिया और मुझे प्रसन्नता है कहने में कि 5 जून के बाद से लगातार प्रदेश में वृक्षारोपण महाभियान के साथ एक पेड़ मां के नाम